वेलकम बैक टू मेरे दोस्तों। अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर के साथ साथ एक गेम लिवर हो तो आपको अपने स्मार्टफोन के इस फीचर्स के बारे में जो है जरूर पता होगा। बेशक मैं जो है डू नॉट डिस्टर्ब फीचर्स के बारे में बात कर रहा हूँ। जिन लोगों को ये फीचर्स के बारे में जो है नहीं पता कि आखिरकार डू नॉट डिस्टर्ब मोड जो है क्या, तो चलिए सबसे पहले जो है इन डू नॉट डिस्टर्ब फीचर्स के बारे में जान लेते हैं। डू नॉट डिस्टर्ब मोड जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में जो है डीएनडी मोड या फिर इसे जो है कभी कभी चंदा मामा भी कहा जाता है। डू नॉट डिस्टर्ब फीचर्स होता है एक तरह का जो है सिंगल क्लिक ऑप्शन है और इसकी हेल्प से आप जो है न केवल किसी कॉल्स को एसएमएस को इवन कि आप जो है गेमिंग के दौरान जो है किसी कॉल आदि को जो है ब्लॉक कर सकते हो। लेकिन ये प्रॉब्लम जो है आपके स्मार्टफोन में होता है ये देखने को मिल सकता है कि आपके स्मार्टफोन में जो है डू नॉट डिस्टर्ब मोड होता है ऑफ होगा या फिर आपके स्मार्टफोन में जो होता है डू नॉट डिस्टर्ब का जो शेड्यूल होगा वो भी ऑफ होगा। लेकिन जैसे ही आप अपने स्मार्टफोन में होता है कोई भी गेम को, जैसे कि सबवे सफर हो गया, कैंडी क्रश गेम हो गया या फिर टेम्पल रन जैसे गेम को आप जैसे ही प्ले करने की कोशिश करते होगे तो ये डीएनडी मोड जो होता है आपको एक गेम बजाने लगता होगा। अर्थात ये डीएनडी मोड जो होता है गेमिंग के दौरान ऑटोमेटिक इनेबल होकर जो होता है आपको जो होता है डिस्टर्ब करने लगता होगा। लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो होता है आपकी इस प्रॉब्लम का सलूशन होता है परफेक्टली रूप से देखने को मिल जाएगा। आपको नेक्स्ट वीडियो को देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो चलिए मैं आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ कि गेमिंग के दौरान, गेमिंग को खेलने के दौरान जो होता है डीएनडी मोड जो होता है कैसे इनेबल होता है और आप जो है इस प्रॉब्लम से कैसे निजात पाओगे। तो चलिए वीडियो काफी जो है आज का इंटरेस्टिंग होने वाला, इसलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक वीडियो को एक लाइक कर लीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार विजिट करो चैनल को माई डियर बेशक सब्सक्राइब कर लिए क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन जो होता है हम जैसे यूट्यूबर के लिए एक मोटिवेशन का कारण बनता है। तो चलिए बिना टाइम से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको अपने मोबाइल का टास्कबार चेक करा देता हूं जिससे आपको पता चल सके कि क्या मेरा अभी तक डीएनडी मोड इनेबल है कि नहीं। तो यहां पर आप देख रहे हो कि मेरे टास्कबार में अभी तक कोई भी डीएनडी मोड इनेबल नहीं है। यहां पर मैंने एग्जांपल के रूप में टेम्पल रन गेम को जो था इंस्टॉल किया है और इसे मैं जो था ओपन कर रहा हूं। जैसे ही ये गेम जो था ओपन होगा तो आप देखिए कि मेरे टास्कबार में जो था डीएनडी मोड जो है ऑटोमेटिकली इनेबल हो जाएगा और जैसे ही मैं इस गेम को जो है मिनिमाइज करूंगा तो ये डीएनडी मोड जो है ऑटोमेटिकली ऑफ भी हो जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हो, आई होप आपके मोबाइल में भी इसी प्रकार का प्रॉब्लम फेस करने को मिल रहा होगा। इस प्रकार की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग वाले पेज में चले जाने के बाद आपको इसके सर्च बार में सर्च करना है ऐप इन्फो। तो आप देखे हो कि ऐप इन्फो करके एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है और आपको इसे टैप करके ओपन कर लेना है। ओपन कर लेने के बाद आपको एक नया पेज देखने को मिल जाता है। इस पेज में आपको योर एप्स करके एक सेक्शन देखने को मिल रहा है जहां पर आपको इसके राइट साइड में होता है थ्री हॉरिजॉन्टल बार होगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है तो आपको पॉपअप करके एक नया पेज देखने को मिल जाता है। इस पेज में आपको होता है टॉप में शो सिस्टम एप्स करके एक ऑप्शन होगा जहां पर आप देख रहे हो कि इसका टॉगल जो है ऑफ है और आपको सबसे पहले इसके टॉगल को इनेबल कर देना है। इनेबल कर लेने के बाद जो होता है आपको इसके सर्च बार में सर्च करना है गेम बूस्टर और आप देखे हो कि सर्च करने के बाद गेम बूस्टर का ऐप जो था इस प्रकार देखने को मिल रहा है और आपको इस पर टैप करके ओपन कर लेना है। जैसे ही आप उस पर टैप करोगे तो आप जो था गेम बूस्टर के ऐप इंफॉर्मेशन में पहुंच जाओगे। तो आपको इस पेज को जो था स्क्रॉल डाउन होते हुए नीचे चले आना है। तो यहाँ पर आपको जो था यूजेज करके एक सेक्शन देखने को मिल रहा है जहां पर आपको होता तीसरे नंबर पर स्टोरेज करके एक ऑप्शन होगा और आपको उस पर क्लिक करके ओपन कर लेना है। क्लिक करोगे तो आपको अगेन एक नया पेज देखने को मिल जाता है। इस पेज में आपको बॉटम साइड में दो ऑप्शन होगा क्लियर कैच एंड क्लियर डाटा। तो सबसे पहले आपको क्लियर कैच कर देना है। क्लियर कैच कर देने के बाद आपको उसके जस्ट बाद क्लियर डाटा कर देना है। क्लियर डाटा कर लेने के बाद होता है आपको थोड़ा सा बैक हो जाना है और आपको इस पेज को इतना स्क्रॉल डाउन होते हुए नीचे चले आना है। यहाँ पर आप देखे हो कि अपीयर ऑन टॉप करके एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है और आपको इसे टैप करके ओपन कर लेना है तो आपको अगेन एक नया पेज देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको ऑल परमिशन करके एक ऑप्शन होगा जहां पर आप देख रहे हो कि इसका टॉगल जो है इनेबल है और आपको सबसे पहले इसके टॉगल को ऑफ कर देना है। ऑफ करने के बाद जो था आपको बैक हो जाना है और आपको सेम उसी पेज में रहना है। तो यहाँ पर आपको होता है इसी पेज को आपको स्क्रॉल डाउन होते हुए नीचे चले आना है। तो यहाँ पर आप देखिए हो कि चेंज सिस्टम सेटिंग्स करके एक ऑप्शन होगा और आपको इस पर टैप करके ओपन कर लेना है। जैसे ही आप उस पर टैप करोगे तो आपको अगेन ऑल परमिशंस करके आपको एक अगेन एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है जहां पर आप देख रहे हो कि इसका टॉगल जो है ऑन है और आपको उसके टॉगल को भी ऑफ कर देना है। ऑफ कर देने के बाद जो है आपको इस पेज को जो है मिनिमाइज कर देना है। मिनिमाइज कर लेने के बाद आपको अपने मोबाइल में किसी भी गेम को जो है ओपन कर लेना है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि मैंने अपने मोबाइल में टेम्पल रन गेम को ओपन किया हूँ। जैसे ही आपका गेम जो है कंप्लीटली रूप से ओपन हो जाएगा उसके जस्ट बाद आपको अपने टास्क बार को धीरे से स्लाइड करना है। तो यहाँ पर आप देखिए आपके टास्क बार में शो गेम बूस्टर करके एक ऑप्शन होगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है।
तो आप रिडायरेक्ट कर जाते हो नए वाले पेज पर। तो यहाँ पर आप देखे हो कि गेम बूस्टर करके आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है, जहाँ पर आप देख रहे हो कि इसका टॉगल जो है ऑफ है और आपको उसके टॉगल को इनेबल कर देना है। अगर आपको ये नहीं देखने को मिलता है तो आपको अपीयर ऑन टॉप वाले पेज में इसके सर्च बार में आप सर्च करके भी जो है गेम बूस्टर के टॉगल को इनेबल कर सकते हो। यहाँ पर आप देख रहे हो कि मैंने जो है गेम बूस्टर के टॉगल को इनेबल कर दिया हूँ। इनेबल कर लेने के बाद जो है आपको अपने मोबाइल के सेटिंग में चले जाना है और आपको सेटिंग वाले पेज में इसके सर्च बार में सर्च करना है गेम बूस्टर सेटिंग्स। तो आप देखे हो कि गेम बूस्टर सेटिंग्स करके आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है और आपको इस ऑप्शन को टैप करके ओपन कर लेना है। तो आपको अगेन एक नया पेज से सामना करने को मिलता है। इस पेज में आपको होता है टॉप में जो था पहला ऑप्शन होगा ब्लॉक ड्यूरिंग द गेम और आपको इस ऑप्शन को टैप करके ओपन कर लेना है। इस पेज में आपको जो है नेविगेशन गेस्चर करके एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है, जहां पर आप देख रहे हो कि इसका टॉगल जो है ऑफ है और आपको सबसे पहले इसके टॉगल को इनेबल कर लेना है। इनेबल कर लेने के बाद जो है आपको जो है बैक हो जाना है गेम बूस्टर सेटिंग वाले पेज में ही। जो है आपको इस पेज को स्क्रॉल डाउन होते हुए नीचे चले आना है। तो यहाँ पर आपको शॉर्टकट बार करके एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है, जहां पर आप देख रहे हो कि इसका टॉगल जो है ऑफ है और आपको इसके टॉगल को भी इनेबल कर देना है। फाइनली जो है डीएनडी का सारा सेटिंग जो है कंप्लीट हो जाता है। चलिए मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ कि क्या गेमिंग के दौरान जो है प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इसके लिए जो है मैंने अपने मोबाइल में टेम्पल रन को ओपन कर लिया। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये गेम जो है ओपन हो चुका है। इसके जस्ट बाद जो है मैं अपने टास्क बार को स्लाइड करता हूँ। तो यहाँ पर आप देखे हो कि मेरे टास्क बार में जो है अभी तक जो है कोई भी डीएनडी मोड इनेबल नहीं हुआ। आई होप दोस्तों कि आज की इस वीडियो के माध्यम से जो डीएनडी का जो प्रॉब्लम था उसके डीएनडी हो गया। अगर हो गया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड के पास अपने दोस्तों के पास जो है शेयर कीजिए, ताकि उनका भी प्रॉब्लम होता है हमारे इस वीडियो के माध्यम से सॉल्व हो सके। तो चलिए आज के दिन हमें इजाजत, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए अंदाज में। थैंक यू।